नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबको बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक के ऊपर मैं आपसे करने वाला हूं बात। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम में आपने देखा कि अजय बंका साहब को वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में सिलेक्ट कर दिया गया है। जो वर्ल्ड बैंक का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का ग्रुप है उन्होंने सिलेक्ट किया है अजय बंका को 5 वर्षों के लिए, जो 2 जून 2023 से इनका कार्यकाल शुरू होगा 5 वर्षों के लिए। इसके पहले आपने देखा होगा फेब के लास्ट महीने में जो बाइडेन साहब ने खुद नॉमिनेट किया था अजय बंका साहब को नॉमिनेट किया था प्रेसिडेंट के लिए। मैं आपको यहां बताता चलूं, एक्चुअली जो वर्ल्ड बैंक है उसका प्रेसिडेंट होता है, IMF का होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। जो IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर है वो बेसिकली नॉमिनेट किया जाता है यूरोपीय यूनियन के द्वारा, और जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट किया जाता है यूएस के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट होता है वो यूएस का सिटीजन होता है। तो आपके मन में अगर ये है कि ये अजय बंका साहब भारत के सिटीजन है तो वो भारत के सिटीजन नहीं है। 2007 से आप देखिएगा ये जो है यूएस के सिटीजनशिप को ले चुके हैं, ये भारतीय मूल के हैं, ओरिजिन ऑफ इंडियन के हैं, और ये भारतीय अमेरिकी जो है बिजनेस आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। इसके पहले इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम आपने देखा फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्षेत्र में था, जब वो मास्टर कार्ड के CEO थे और प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे डिजिटल इकोनॉमिक को बढ़ावा देने के लिए काम किया था, इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर बात की थी, बहुत से लोगों को इन्होंने डिजिटल बनाने का प्रयास किया। और जो CEO थे ये मास्टर कार्ड के, वो लगभग 24,000 से 25,000 लोगों को रोजगार दिया हुआ था। तो अजय बंका साहब ये भारतीय मूल के एक तरीके से पहले जो है राष्ट्रपति, पहले जो है प्रेसिडेंट बनाए गए हैं आपके वर्ल्ड बैंक के, ये हमारे लिए एक अच्छी उपलब्धि है। तो आइए इनके बारे में हम बात करते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको जानने वाली है। तो आप ये देखिए साफ साफ कि इंडियन अमेरिकन बिजनेस लीडर अजय बंका हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक फॉर 5-year term। जो अजय बंका साहब है वो इंडियन अमेरिकन बिजनेस लीडर है जो 5 वर्ष के लिए वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में सेलेक्ट कर लिए गए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के द्वारा, डायरेक्टर्स के द्वारा। ही इज द फर्स्ट इंडियन बॉर्न नॉमिनी ऑफ द वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट रोल। पहले ये इंडियन है जो कि इस काम के लिए चुने गए हैं। बंका 63 ईयर के हैं, वाज नॉमिनेटेड फॉर द ऑफिस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन इन द लेट फरवरी। जैसा मैंने कि बताया कि अगर आप देखोगे लेट फरवरी में जो बिडेन साहब ने खुद इनको नॉमिनेट किया था, बट आज 3 मई को आप देखते हो कि जो वर्ल्ड बैंक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है। इसका मतलब जो फाइनल मोहल है वो लगा दी गई है वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के द्वारा कि ये जो है उसके प्रेसिडेंट रहेंगे और 5 साल तक इनका काम काल रहेगा। इन्होंने रिप्लेस किया है वर्ल्ड बैंक के चीफ को जो इसके पहले डेविड मालपास साहब थे। तो आपने सुना होगा डेविड मालपास के बारे में, ये इसके पहले थे, ये भी यूएस के ही सिटीजन से, कोई भी व्यक्ति जो कि वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनेगा, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट होने के लिए इंपॉर्टेंट है कि यूएस का वो सिटीजन हो। जबकि ये एक थोड़ी सी ऐसी बात है जो गले से हजम नहीं होती है कि कैसे जो है कोई भी यूएस का ही सिर्फ सिटीजन किस तरीके से वर्ल्ड बैंक का जो है प्रेसिडेंट बनता है। इसी तरह मैं आपको बता दूं जो IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है, ये होता है यूरोपीय यूनियन के द्वारा नॉमिनेट, और ये हमेशा ही यूरोपीय यूनियन का ही सिटीजन होगा। आप हमेशा देखते हो जो भी बनता है मैनेजिंग डायरेक्टर वो कहीं ना कहीं यूरोपीय यूनियन से होगा, फ्रांस से होगा, अधिकांश आप देखते हो कि हमेशा वो यूरोपीय यूनियन से ही संबंधित होता है। बंका यूएस सिटीजन सिंह 2007, मैं आपको जैसा कि बताया कि अजय बंका साहब जो है 2007 से अमेरिका के सिटीजनशिप ले चुके हैं, करेंटली सर्व्ड एज वाइस चेयर ऑफ द जनरल अटलांटिक, ये जनरल अटलांटिक के वाइस चेयरमैन रहे हैं। इसके पहले ये देखिए एक प्राइवेट इक्विटी फंड कंपनी रही है। He also served as co-chair of the partnership of the Central America where the World Treasury with US Vice President Kamala Harris.
जो कमला हैरिस है, अभी आपने देखा होगा कई इनके जो है डायलॉग जो है इंपॉर्टेंट रहे हैं, यूट्यूब पे कई बार आप इनको देखे होंगे। जो कमला हैरिस है ये यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है, उनके साथ इन्होंने काम किया और इन्होंने पब्लिक के लिए, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट रिसोर्सेज के लिए नॉर्दर्न सेंट्रल अमेरिका में इन्होंने काफी काम किया। बेसिकली इनका बहुत बड़ा काम जो था, अगर आप मास्टर कार्ड के सीईओ के रूप में देखेंगे तो इन्होंने बहुत ज्यादा काम डिजिटल इकोनॉमिक के ऊपर किया था, किस तरीके से डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को, बिजनेस मैन को डिजिटल इकोनॉमी से जोड़ा जाए, डिजिटल की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, और इन्होंने बहुत ज्यादा इस दिशा में काम किया था। ही वाज द फॉर्मर सीईओ ऑफ द मास्टर कार्ड, ही रिटायर्ड दिसंबर 2021। देखिए ये मास्टर कार्ड के सीईओ के रूप में काफी दिन तक काम किए और ये 2021 में रिटायर्ड हुए हैं आफ्टर 12 इयर्स ऑफ द सर्विस। इन्होंने यहां पे मास्टर कार्ड के सीईओ के रूप में 12 वर्ष तक काम किया। वी आर सेट द टारगेट ऑफ ब्रिंगिंग 1 बिलियन पीपुल एंड 50 मिलियन माइक्रो स्मॉल बिजनेसमैन इनटू डिजिटल इकोनॉमी बाय 2। इनका पूरा का पूरा जो ये सीईओ के रूप में मास्टर कार्ड का काम किए थे, तो इन्होंने ये टारगेट रखा था कि 2025 तक हम लोग 1 बिलियन लोगों को और 50 मिलियन माइक्रो मीडियम बिजनेसमैन है उसको डिजिटल इकोनॉमी की तरफ लेके आएंगे। तो इन्होंने डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसके बाद आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि 2016 में बंका वाज ऑनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अजय बंगा साहब को 2016 में यहां पे देखिए पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। बंगावाज मोर देन 30 ईयर ऑफ बिजनेस एक्सपीरियंस, इनका बिजनेस एक्सपीरियंस 30 साल से ज्यादा है। हैविंग सर्वड एट द वेरियस रोल ऑफ द मास्टर कार्ड एंड द बोर्ड ऑफ अमेरिकन रेड क्रॉस एंड क्रॉस फूड एंड डोल इंक। तो इनका जो पूरा का पूरा एक देखिएगा बिजनेस के एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इनकी पढ़ाई कहां से हुई आप जरा देखो, बॉर्न इन पुणे, इनका जन्म हुआ है पुणे में, बॉर्न इन पुणे, और बंगा कंप्लीटेड हिज बैचलर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स रहे हैं बैचलर डिग्री ओनली, और ये दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज के रहे हैं। आपने देखा कि दिल्ली का सेंट स्टीफन कॉलेज से बड़े बड़े जो है विभूति जो है जन्म लिए, और इस समय तो पूरे दुनिया में आप देखोगे जो बड़े बड़े जगह पे सीईओ है सब भारतीय हैं। तो अजय बंगा साहब जो दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से जो है बैचलर डिग्री लिया है इकोनॉमिक्स में, इसके बाद इन्होंने देखिए एमबीए डिग्री लिया है आईआईएम अहमदाबाद से। तो दो चीजें आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने इकोनॉमिक्स से बैचलर है और साथ ही स्टीफन कॉलेज से और आईआईएम अहमदाबाद से इन्होंने एमबीए की डिग्री ली है। ही बिगेन हिज द कैरियर विद द नेस्ले, नेस्ले के साथ इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की इन इंडिया, भारत में नेस्ले कंपनी के साथ इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की एंड ऑन वर्क विद द सिटी ग्रुप ऑफ इंडिया एंड द मलेशिया। तो ये इनका लाइफ के रूप में देखा, और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो 5 वर्ष का इनका जो कार्यकाल रहेगा, 2 जून से शुरू होगा, वो अच्छा होगा, और पूरे दुनिया को जो कि प्रॉब्लम में जब आती है तो वर्ल्ड बैंक का काम ही है कि लॉन्ग रन फंडिंग करना। देखिए दो संस्थाएं हैं, एक आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ का काम है कि आपको शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करना जब बैलेंस ऑफ रिलेटेड प्रॉब्लम आप इशू झेल रहे हैं, और वर्ल्ड बैंक का काम है कि लॉन्ग रन परिप्रेक्ष्य में आपको डेवलपमेंट के लिए लोन देना। तो जहां आईएमएफ आपको शॉर्ट रन के लिए फंडिंग करता है, वहीं जो है वर्ल्ड बैंक आपको लॉन्ग रन के लिए फंडिंग करता है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इनका कार्यकाल बेहतर होगा और इंक्लूसिव ग्रोथ वाला होगा और डिजिटल इकोनॉमी को और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमी का। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।